नमस्कार। आज हम लोग वह चिड़िया कविता का स्वर वाचन करेंगे, साथ साथ इनके लेखक के बारे में भी समझेंगे। तो इसकी रचना केदारनाथ अग्रवाल ने की है, जो कि प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और इनका जन्म जो था उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी और कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी से इन्हें मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो चलिए कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। वह चिड़िया जो क्या कर रहा है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूरी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। दूसरा लाइन है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह भोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए अब इस कविता का हम लोग क्या समझते हैं, भावार्थ भी समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम वह चिड़िया और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल है और यह चिड़िया के माध्यम उन्हें काल्पनिक रूप से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने की कोशिश की है। कविता में लेखक ने नीले पंखों वाले एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में बताने की कोशिश की है। उस नन्ही सी छोटी चिड़िया की प्राकृतिक हर वस्तु में अत्यंत लगाव है और प्राकृतिक की स्वभाव में उन्हें अत्यंत ही लुभावनी लगती है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को किससे, तो अन्न से, अन्न मतलब अन्न का दाना से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि से संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने, आप देखिएगा राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में ज्वार पाया जाता है और दूध क्या, जब वो कच्चा होता है उसमें दूध की होती है, क्या होती है, उस बाली में दूध होती है, खाती है, उसे अपने वन से भी बहुत प्यार है, मतलब उसको अपने खेतों से भी प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर से वृक्षों के प्यारे गीत गाती है, उसे एकांत और नदी से बहुत प्यार है, वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में भी अपनी चोंच से पानी की बूंदें भर लेती है, क्या करती है, पानी की बूंदें भर लेती है। चलिए अब हम समझेंगे इसका जो पहला का अर्थ है, ठीक है, पहला समझेंगे, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूरी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम वह चिड़िया जो और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल है, क्या नाम है, केदारनाथ अग्रवाल है। प्रस्तुत पंक्ति में एक छोटी सी चिड़िया का उल्लेख किया है, बताता है कि वह चिड़िया ही बहुत संतोषी है, उसे किस चीज़ से प्रेम है, तो अन्न से प्रेम है, वह दूध से भरे ज्वार के दाने को बड़ी रुचि के साथ रस से खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं को क्या बताते हैं, संतोषी कहना चाहते हैं, मतलब यह जग में संतोष से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, संतोष से बड़ा कुछ नहीं है, और ये क्या कर चिड़िया को कहना चाहते हैं, ठीक है। चिड़िया जो वह चिड़िया जो कंठ
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। क्या है उन्हें? विजन से बहुत प्यार है। तो चलिए इसका इसमें कहना चाहते हैं कि वह नन्ही चिड़िया के बारे में बताते हैं कि उन्हें वन से बहुत प्यार है। क्या है तो वही लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक से लिया गया है। पाठ का नाम वह चिड़िया और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल। इस पंक्ति में कवि उस चिड़िया के बारे में, नन्ही सी चिड़िया के बारे में बताते हैं कि नन्ही चिड़िया वन से बहुत प्यार करती है जिसमें वह रहती है, तथा उसे बूढ़े वन बाबा से और वृक्षों से बहुत ही मीठे और लगाव है। कंठ के मधुर सुरीली गीत गाती है, उसे एकांत में रहना पसंद है, तथा प्रकृति के साथ गीत का अकेले में आनंद लेना उसे अच्छा लगता है। यहाँ पर कवि प्राकृतिक से उस प्रेम को उस चिड़ै के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। अंतिम पद है, तीसरा वाला अंतिम पद है, ठीक है। वह चिड़िया जो चोच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले लेती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक से लिया गया है। पाठ का नाम वह चिड़िया और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। इस कविता के माध्यम से कवि वह नीले पंखों की छोटी चिड़िया को अत्यंत साहसी और गर्वपूर्ण बताते हैं और कहते हैं कि छोटी होने के बाद भी उफनती नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले लेती है, अर्थात जल से अपने प्यास को बुझा लेती है, और नदी से उसे जल से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि मनुष्य के साहस के गुणों का वर्णन करता है और बताता है कि मनुष्य कितना साहसी है। यही तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता हमें समझाती है। क्या समझाती है? कि किस तरह से हमें रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग वह चिड़िया कविता को सोशल वाचन और अर्थ समझे हैं। धन्यवाद।